तो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, ये वीडियो, ये व्लॉग नहीं है, ये बस एक ऐसा अपडेट है, मैंने सोचा छोटा सा बना लूँ। तो गाइज, आप सबने बिग बॉस तो फॉलो किया ही होगा, और भाई ये पहली बार हो गया है कि इतना बड़ा सोशल मीडिया पे खाली बिग बॉस के चर्चे हो गए, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, यूट्यूब में रील्स देख लो, चाहे इंस्टा पे देख लो, भाई कोई भी प्लेटफॉर्म देख लो, खाली बिग बॉस OTT, बिग बॉस OTT। अगर शहनाज और सिद्धार्थ वाले बिग बॉस के अलावा अगर कोई बिग बॉस फेमस हुआ है तो ये वाला है। और आप रीज़न तो जानते ही हो, सबसे पहला तो है कि यहाँ पे यूट्यूब स्टार्स हैं, और यूट्यूब स्टार्स में जानते हो भाई, सबसे पहले तो फुकरा इंसान आया, और जो फुकरा इंसान ने भाई परफॉर्मेंस दिया भाई, बहुत बेहतरीन दिया। हालांकि मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करता, लेकिन रील्स में देख के पता चल जाता है। और उसके बाद भाई मेरी मम्मी ने तो भाई 10 दिन में पूरा 1.5 महीने का बिग बॉस कंप्लीट कर दिया, दिन भर कंटिन्यू बिंज वॉच किया है बिग बॉस को, इतना इतना हिट हुआ है ये। उसके बाद भाई आई एल्विश की पारी, भाई फिर एल्विश के आने के बाद तो भाई सिस्टम ही अलग, भाई सिस्टम फाड़ दिया बंदे ने। तो अब बिग बॉस आ चुका है फिनाले के दौर पे, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? वोटिंग लाइन तो क्लोज हो चुकी है, मैं अभी इसको पोस्ट करूंगा, और लाइव अभी बस 15-20 मिनट में चालू हो जाएगा। जब तक मैंने ये वीडियो पोस्ट करूंगा तब तक तो लाइव चालू हो जाएगा, इसके बाद का भी मैं छोटा सा वीडियो डाल दूंगा कि कौन जीता अगर फैमिली रिएक्शन। तो आप बताओ किसको सपोर्ट करो, एल्विश को, फुकरा को, मनीषा को, पूजा को, या बेबिका को? भाई मैं तो पर्सनली दोनों को कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी आए भाई, आनी तो YouTube कम्युनिटी में ही है ट्रॉफी, तो चाहे एल्विश जीता चाहे फुकरा, अपने लिए एक ही है। तो बस इतना ही है भाई, देखते हैं कौन जीतता है, एल्विश जीतता है कि फुकरा जीतता है, जो भी जीते भाई एक ही बात है, अपने लिए YouTube कम्युनिटी पे ही आएगी। तो बस मिलते हैं आपको जल्दी थोड़ी देर में, चलो बाय बाय।